कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, इस पंक्तियों का केवल एक ही सारांश है कि आप चाहे कोई भी तैयारी करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करें दोस्तों, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। दोस्तों हम बात करने वाले हमारे जितने भी युवा साथी हैं दोस्तों, हम इसमें एक छोटा सा संदेश उन हमारे युवा साथियों को देना चाहते हैं दोस्तों, जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों आपको पता है कि कंपटीशन की तैयारी काफी कठिन मानी जाती है, एक जो कठिन डगर होता है, ये एक बहुत मुश्किलों से भरा एक रास्ता होता है दोस्तों। लेकिन हम उस रास्ते पर चलकर आए हैं, तो जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं दोस्तों, वो आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। दोस्तों तैयारी चाहे आप कोई भी करें, चाहे आप आरपीएससी में ग्रेड सेकंड की तैयारी करें, फर्स्ट की तैयारी करें, ग्रेड थर्ड की तैयारी करें, सीटेट की तैयारी करें दोस्तों, एमपी टेट की कोई भी तैयारी आप करें, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें, चाहे आरएएस की तैयारी करें, चाहे आईएएस की तैयारी करें, आप तैयारी कोई भी करें, लेकिन उस तैयारी करने से पहले आपको एक चीज फिक्स करनी होगी दोस्तों। दोस्तों आप तैयारी चाहे कोई भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और सिर्फ एक होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है कि अर्जुन का लक्ष्य आपको ध्यान होगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपको अपना लक्ष्य क्लियर करना होगा दोस्तों। यदि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है दोस्तों। आपको हम बता दें कि तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं, जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो तीन कैटेगरी में बटे होते हैं दोस्तों। एक तो वो लोग होते हैं जिनका गोल फिक्स रहता है, या हम यूं कहें कि उनका सारा कुछ जो कंटेंट है वो क्लियर रहता है कि उनको करना क्या है और क्यों करना है, वो बिल्कुल फिक्स है, उनको कंफर्म पता है दोस्तों। एक दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं, दूसरे प्रकार के वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका कंटेंट मिक्स होता है, यानी कि उनका जो गोल है, लक्ष्य जो है वो मिक्सअप वाला है, उनको कंफर्म खुद को ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। कभी कभी वो राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए मन बनाते हैं, कभी पटवारी की तैयारी के लिए मन बनाते हैं, कभी वो टीचर की तैयारी के लिए मन बनाते हैं, कभी फौज में जाने की सोचते हैं। अलग अलग प्रकार का उनका कंटेंट रहता है, फिक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो मिक्सअप वाले होते हैं। तो आपको समझना है कि मिक्सअप वाला यदि मामला रहेगा तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है दोस्तों। और तीसरे वाले वो होते हैं जिनके पास क्लियर है ही नहीं कुछ कि करना क्या है, वो फिक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि ये कर लो तो वही कर लेते हैं, लोग उनमें धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी चल रही है, अब पता नहीं कहां पहुंचेगी, कुछ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। जो सबसे पहला हमने बताया कि जिन लोगों का लक्ष्य निर्धारित है, जिन लोगों का लक्ष्य बिल्कुल फिक्स है, एकदम क्लियर है, वो ही सफल होते हैं दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है दोस्तों, वही आपको करना है। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके हौसले मजबूत हैं और यदि आपने कुछ करने का ठान ही लिया है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता दोस्तों। जब तक आप खुद अपने आप से नहीं हार जाते, दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती दोस्तों। यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो कोई भी आपको जिता भी नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए हर क्षेत्र में आपको संघर्ष करना ही होगा, चाहे आप तैयारी किसकी भी करो दोस्तों। कोई भी नौकरी यदि आपको प्राप्त करनी है तो सबसे पहला उसका चरण है, सबसे पहले तो गोल निर्धारित करो कि आपको बनना क्या है। जैसे मान लो कि आपने फिक्स कर लिया कि मुझे राजस्थान पुलिस के अंदर जाना है, अभी लेटेस्ट राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, तो उसके लिए आपको पहले तो पूरी रणनीति बनानी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हाँ कर लेंगे तैयारी, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे तब देखेंगे, उस समय सोचेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है कहावत आपने सुनी होगी कि घर में आग लगी कुआं खोदने से क्या फायदा, जब घर में आग लग गई फिर कुआं खोदो फिर आग को बुझाओ, तो वो वाला मामला बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। आपको पहले से ही योजना बनानी है और सिस्टमेटिक तरीका से आपको तैयारी करनी है, फिर आप देखना, गारंटी देते हैं हम, वादे के साथ में कह सकते हैं कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाओगे, एक ही बार में आपको सफलता मिल जाएगी, ये गारंटी है दोस्तों। आप चल के देखिए एक बार, आप स्टार्ट करके देखिए एक बार शुरुआत तो करिए आप, लेकिन फिक्स करना होगा आपको, टारगेट बनाना होगा आपको, एक पहले से शेड्यूल बनाना होगा, एक तैयारी की रणनीति आपको तैयार करनी पड़ेगी कि राजस्थान पुलिस में मुझे जाना है तो लिखित एग्जाम की तैयारी करो सबसे पहले तो, ठीक है। और पहले यह देख लो कि आप उसके लिए बिल्कुल फिट हो या नहीं हो,
तब जाकर के तैयारी में उतरो आप और तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करो आप। सारी चीजों की तैयारी आपको करनी है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आपकी कमजोरी नहीं हो, बिल्कुल पूरी तरीका से आप उसी के लिए डेडिकेट कर दो अपने आप को, पूरी ईमानदारी से 100% अपने आप को झोंक दो उसके लिए, फिर देखना कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती दोस्तों। ऐसे नहीं कि महा कर लिया एक आध घंटे, होगा तो हो जाएगा, ठीक है ऐसे ही टप्पे में आ जाएगा, तो पेपर आउट हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, लोग इतना पढ़ते हैं, हमारा नंबर कैसे आएगा दोस्तों, ये सब बहाने आप बनाते रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे। जो लोग तैयारी करते हैं वो फॉर्म की और एग्जाम डेट की कब होगी कब नहीं होगी इस बारे में नहीं सोचते हैं, वो तैयारी करते हैं तो करते हैं बस। लोग तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि फॉर्म भरे जाएंगे तब तैयारी करेंगे, अरे कब करोगे? आपको पता है कि एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगी, आपको पता है दिसंबर या जनवरी में आपकी एग्जाम हो जाएगी दोस्तों, कब करोगे फिर आप? बहुत सारी चीजें कैसे पढ़ लोगे आप? अरे अभी से तैयारी करो, आज से ही तैयारी करो और जरूर करो दोस्तों, ईमानदारी से तैयारी करो, बिल्कुल भी इसमें आपको बेईमानी नहीं करनी है और फिर देखना, ये गारंटी से हम कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे दोस्तों। लेकिन आपको फिक्स कर लो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे ये सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे यहां पर पढ़ना है, मतलब आपको इतने बजे पढ़ना है या रात्रि को पढ़ाई करनी है या दिन में पढ़ाई करनी है, ये सब आपको अपनी सुविधा के हिसाब से फिक्स करना होगा। किसी के मतलब देखा देखी से आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका दोस्त रात्रि को ज्यादा पढ़ता है तो मैं भी पढ़ू, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके हिसाब से जो सूटेबल समय लगता है वो सबसे बेस्ट समय है आपके लिए, उसी समय को आपको अपनाना है और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। किताब ले लीजिए, जो भी उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, बस लगातार ईमानदारी से आप तैयारी करो, आपका समय बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, एक एक दिन आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए जुट जाइए, लग जाइए। निश्चित सफलता यदि प्राप्त करनी है तो संकल्प ले लो दोस्तों, क्योंकि संकल्प के साथ ही करोगे तभी जाकर के आप सफल हो जाओगे दोस्तों। तो बस तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, आज से ही तैयारी में लग जाइए और फिर आप बताना इस चैनल पे आकर के हमें कमेंट करके कि हमारी जो बातें हैं उन बातों से आपको क्या फर्क पड़ा और आपने तैयारी स्टार्ट की या नहीं की। तो दोस्तों टारगेट फिक्स कर लो, आज से ही कर लो, अभी से कर लो और फिर देखना कि कोई ताकत आपको नहीं हरा सकेगी। तो लग जाइए, जुट जाइए, अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो कोई बात नहीं है। कहते हैं कि समंदर को ठहरा देख, ये ना सोचो कि इसमें रवानी नहीं है, हम उठेंगे जब भी उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है दोस्तों। तो अब ठान लीजिए, क्योंकि अब वो ठानने का समय आ गया दोस्तों, अब ठानने का समय आ चुका है, इसलिए आपको लगातार प्रयासरत रहना है दोस्तों। निश्चित सफलता यदि पानी है तो आज से शुरुआत कर दो दोस्तों, जरूर सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए दोस्तों और दीपावली की सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है दोस्तों। अच्छे से हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनाएं और अपनी तैयारी को लगातार निरंतर बनाए रखें दोस्तों, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय हरदम, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।